हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्पाइन ब्लॉग। कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग से बात करने वाली हूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सी महिलाओं को, लगभग सभी महिलाओं को ये दिक्कत हो जाती है डिस्चार्ज की। और ये नॉर्मल है, नेचुरली ये होता ही है, सभी को होता है। बट आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि आपको नॉर्मल कितना डिस्चार्ज हो रहा है, डेली आपको कितना डिस्चार्ज हो रहा है। अगर उतना ही आपको वो दिन प्रतिदिन, जैसे आपको 8 मंथ लगेगा, 9 मंथ लगेगा, 9 मंथ में थोड़ा ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगता है, तो वो आपको थोड़ा उसका नोटिस रखना पड़ेगा कि कहीं उस डिस्चार्ज में कैसा, जैसे आपको जब स्टार्ट हुआ था वैसे ही डिस्चार्ज हो रहा है। मतलब वाटरी डिस्चार्ज होता है, वो थोड़ा चिपचिपा टाइप में होता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा चिपचिपा टाइप में होता है। तो अगर आपको वो ध्यान रखना होगा, अगर आपको ज़्यादा चिपचिपा टाइप में और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज के साथ में अगर म्यूकस, म्यूकस मतलब वाइट वाइट ना, ऐसे दही जैसे चीज़ें होती है, अगर वो भी बाहर आ रही हैं डिस्चार्ज के साथ में। नॉर्मल डिस्चार्ज देखिए, आप उठोगे, बैठोगे, थोड़ा दम लगा के बैठ गए, थोड़ा उठने के लिए ट्राई किए, थोड़ा कुछ मतलब छींक दिए या खांस दिए, तो भी वो वाटर डिस्चार्ज हो जाता है। तो लेकिन आपको उसके क्वांटिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत डिस्चार्ज ना, वो जैसे कि लाइक जब भी आप थोड़ा सा उठोगे बैठोगे तो आपको होता है वैसा डिस्चार्ज। तो आपको डिस्चार्ज में ध्यान रखना है। अगर आपको डिस्चार्ज के साथ में एब्डोमिनल में पेन हो रहा है कुछ भी, या ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्चार्ज, या ब्लड जा रहा है, या ब्राउन रंग का कुछ भी जा रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करिए। ये वीडियो मैं बनाने वाली इस टॉपिक पे कि वो डिस्चार्ज के कारण, बिकॉज वो कंटिन्यू वो डिस्चार्ज आपको चालू रहेगा, किसी को 3 मंथ, किसी को 4 मंथ, वो रहता है डिस्चार्ज। तो गीलेपन की वजह से क्या हो जाता है ना कि वजाइना में बहुत सारी खुजली, इचिंग, रैशेज, जलन सब चालू हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ को चिड़चिड़ापन आ जाता है। और आपको आपको मैं एक सजेस्ट करती हूँ, अगर आप उसके लिए कुछ पैंटी लाइनर यूज़ करते हो या पैड यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो, मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन देती हूँ। मैंने भी ट्राई किया था, बट आप कंटिन्यू कितना पैंटी लाइनर यूज़ करोगे, या क्लोथ तो मैं मना करूँगी मत ही यूज़ करना। क्लोथ आपको अगर यूज़ करना है, ये सब चीज़ें यूज़ करो, बट वो भी आप कितना टाइम यूज़ करोगे ना। और अगर आप पैंटी यूज़ कर रहे हो तो दिन में आपको दो तीन पैंटी तो आपको, मुझे लगता है, चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, मैंने क्या यूज़ किया था, मैं आपको बताती हूँ। टिश्यू पेपर होता ना, टिश्यू पेपर, उसको आप रोल करिए ऐसे, वो ज़्यादा इरिटेट भी नहीं करता है और बहुत सॉफ्ट भी रहता है, और आपको कंफर्टेबल भी फील होगा। बहुत वो हार्ड वाला टिश्यू पेपर नहीं, सॉफ्ट वाला टिश्यू पेपर आता ना, वो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका कुछ भी इलाज नहीं, आप कुछ भी करके इसको रोक नहीं सकते, ये तो होना ही है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है, आपको उससे ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि अगर आप पैंटी लाइनर यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करोगे, तो उससे ज़्यादा रैशेस वगैरह होती है, दिक्कतें होती हैं। अगर आप ये यूज़ करोगे ना, तो इससे थोड़ा कम्फर्टेबल भी रहोगे, इचिंग भी नहीं होगा, और अच्छा मतलब पता नहीं चलता है कि बहुत सॉफ्ट होता है, पता नहीं चलता। और आप इसको चाहिए तो अपने हिसाब से आधे घंटे, 1 घंटे भी, जब भी आप वॉशरूम जाओ आप इसको चेंज कर लो, बहुत कंफर्टेबल रहता है। ट्रस्ट में गाइस, आप इसको यूज़ कर सकते हो। सॉफ्ट टिश्यू पेपर है, उसको ऐसे ऐसे रोल करिए 3-4 बार, उसको आप अपने हिसाब से, जैसे भी आप से उसको सेट कर लीजिए। तो आप आधे घंटे 1 घंटे पे, जैसे भी आपका जिस हिसाब से डिस्चार्ज हो रहा है, आप उसको चेंज करते रहिए। ऐसा तो नहीं कि मतलब बार बार 10-10 घंटे पे, 15 घंटे पे वॉशरूम जाते हैं, तो आप उस हिसाब से उसको चेंज कर लीजिए। वो बहुत इजी भी पड़ेगा, अच्छा भी रहेगा, कंफर्टेबल भी रहेगा, सॉफ्ट भी रहेगा, बहुत इजी है। ये मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। दूसरा जो है, इचिंग का, जलन का, इन सब रैशेज का, इसका आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आप चाहो तो मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बता रही हूँ, बेस्ट प्रोडक्ट, जो कि आज मैं खुद, मुझे लगता है मैं आज 8-9 साल से यूज़ कर रही हूँ उस चीज़ को। मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यूज़ किया, बेबी को कुछ हार्म नहीं करता है, बेबी के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, और आपको आफ्टर डिलीवरी के लिए भी अच्छा है। आप चाहो तो दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हो इस चीज़। अगर आपको बहुत जलन हो रहा है, खुजली हो रहा है, बहुत इचिंग हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है वजाइना में, तो सबसे बेस्ट क्या है, मैं खुद यूज़ करती हूँ वी वॉश, ठीक है। ये जो वी वॉश है, ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इसको आज 8-9 साल, जैसे मैंने आपको बताया, तब से मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो और मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसको यूज़ किया, तो ये बहुत हाइजीन मेंटेन करता है, आपके पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है। ऐसा नहीं कि आपको इसको यूज़ करने से आपको ड्राइनेस आ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा,
कुछ भी नहीं है, आप इसको हल्के से क्वांटिटी में, हाँ पर इसको दिन में एक ही बार यूज़ करना है। मैं इसका कुछ भी ये नहीं कर रही हूँ, प्रमोट नहीं कर रही हूँ इसको, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे यहाँ से कुछ मिला नहीं है। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस, अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ सारी महिलाएं इसको यूज़ करें। अगर आप इन चीज़ों से परेशान है, तो अब प्रेगनेंसी में तो और डिस्चार्ज गीलेपन की वजह से बहुत दिक्कतें आती है, तो आपको हाइजीन मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट, क्योंकि अगर इसको आप यूज़ भी करते हो ना, तो मैं नहीं बोलूँगी कि इससे आपका इचिंग, जलन ये सब खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, हल्का सा कम होगा, हल्का सा कम होगा, फिर भी आपको होगा जब आपने इसको यूज़ किया, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा गीला होता ना कि आप कुछ भी यूज़ करो आपको वो उससे राहत नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप वॉशरूम जाए तो पहले तो टिश्यू पेपर से उसको हल्के से टैप टैप करके उसको सुखा लीजिए अपने प्राइवेट पार्ट्स को। उसके बाद आप वापस टिश्यू पेपर जैसा मैंने बोला वैसा रोल करके आप अपना अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। तो जब आप वॉशरूम जाते हो, जब वो आप वो टिश्यू पेपर से उसको अच्छे से ड्राई कर लेते हो जगह को ना, प्राइवेट पार्ट्स को, तो इतना अपने को इचिंग या जलन वगैरह फील नहीं होता। अगर आप वैसे ही वॉश कर ले, पहली बात तो वजाइना को बार बार वॉश नहीं करना चाहिए पानी से, बहुत लोग करते हैं क्योंकि उनको कंफर्टेबल नहीं फील होता, उनको अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप करते भी हो, मैं तो बोलूँगी ना ही करो, अगर करते हो तो उसको ड्राई कर लो, गीला मत छोड़ना प्राइवेट पार्ट को, और चाहे जब भी आप जाओ पहले आपको टिश्यू पेपर से ड्राई करके ही अपने प्राइवेट पार्ट को बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो आप, मैं बोलूँगी इसको यूज़ करिए, बहुत अच्छा है। दिन में सिर्फ आप जब नहाते हो उस टाइम पे ही इसको यूज़ करना है। बहुत लोग इसको दो बार शाम सुबह में यूज़ करते हैं, पर दो बार मैं सजेस्ट करूँगी नहीं करने की ज़रूरत है, आप एक ही बार करो। हाँ, और आपके लिए सबसे बेस्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इचिंग वगैरह के लिए ये भी अगर आप यूज़ करते हो, तो मैं बोलती हूँ इससे भी पूरी तरह से अपने को सेटिस्फेक्शन बोलते हैं ना उस टाइम पे, ऐसा इतना ज़्यादा इचिंग वगैरह होता है ना, इतना ज़्यादा इरिटेट होता है ना, तो इससे नहीं जाने वाला है वो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट चीज़ बता रही हूँ, गर्म पानी करो, गुनगुना पानी, उसमें गुनगुना पानी में थोड़ा सा। और हाँ, इसको यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत लोग हैं इसको अंदर तक एकदम अच्छे से इंसर्ट करके यूज़ करते हैं, तो इसको ऐसे यूज़ कभी मत करना, ये अंदर के लिए ही नहीं है, बाहर की जो परत होती है ना, बाहर का जो एरिया होता है उसको साफ़ करने के लिए। अंदर तो आपको कुछ भी नहीं डाल के साफ़ करना है, कुछ भी नहीं, वजाइना खुद को ही क्लियर कर लेता है, उसकी जो चीज़ें होती है, जो एवरी मंथ देखोगे आप तो वाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है, तो वो खुद को क्लीन कर लेता है। अगर उसको लगता है कुछ गंदा है तो वो अपने आप डिस्चार्ज के रूप में बाहर आ जाता है। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट, ये चाहे कुछ भी हो, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर का एरिया जो होता है, बाहर का एरिया होता है उसका, वही इससे क्लीन करना है। अंदर के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको बहुत जो थोड़ा सा बाहर पार्ट होता है जिस पे कि कभी कभी ये हो जाता है, दाने दाने से आ जाते हैं, रेडनेस आ जाता है, ड्राइनेस आ जाता है, उसके लिए मैं बता रही हूँ, उसके लिए आपको गर्म पानी करना है तो, और हल्की से फिट करें, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, वो आप ऐसे ऐसे मतलब हल्का सा थप थप की, क्या बोलते हैं इसको, मतलब हल्का सा ऐसे, जैसे फेस हम लोग ऐसे धोते हैं ना, उस हिसाब से आप वैसा गर्म पानी से, आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गुनगुना पानी से आप 2-3 बार दिन में अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश कर सकते हो, इचिंग के लिए, जलन के लिए, ये भी बहुत राहत देता है। और मैं आपको बेस्ट आइडिया दे रही हूँ गाइस, आप हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट को ना टिश्यू पेपर से ड्राई करते रहिए, उससे बहुत राहत मिलती है इचिंग में, जलन में, सच में। आप ट्राई करके देखो, अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप अपने एरिया को ना हमेशा ड्राई करके रखो, क्योंकि वो तो गिल्ला होता है, आपको थोड़ा मेहनत लगेगी, आपको बार बार जाके, मैं बोलती हूँ जब आप वॉशरूम के लिए जाते हो ना, उसमें तो बहुत बार वॉशरूम आता है, जब भी आप जाओ ड्राई करके आओ और एक सूखा नया टिश्यू पेपर आप सेट करके आ जाओ, देखो आपको कितनी राहत मिलती है, बहुत 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 फायदा मिलता है। और नाइट में अगर आप सो रहे हो तो गर्म पानी से एक बार वॉश करके सो, हल्के गुनगुने, गर्म नहीं, हल्के गुनगुने पानी से उसको वॉश करके सो, मॉर्निंग में, मतलब जब भी आपको ज़्यादा ऐसा लगे ना कि बहुत इचिंग हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, जलन हो रहा है, तो आप जाओ गर्म पानी करो, वॉश करके आ जाओ, ड्राई करके आ जाओ, आपको काफ़ी देर के लिए राहत मिल जाएगी, ठीक है। और उसके लिए वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते ये गीलेपन के लिए, ये दो जब तक आपका बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक रहेगा, डिलीवरी के बाद ये अपने आप चला जाएगा। जिसके साथ जिसकी सेकेंड डिलीवरी है उनको तो पता ही है, ये जिसकी फर्स्ट डिलीवरी उनको नहीं पता होगी, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप आप लोग को थोड़ी ये, आई नो बहुत
प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह की वजह से ना बहुत इरिटेट होता है। तो इसके लिए आप ये सॉल्यूशन कर सकते हो, और आप कुछ भी वजाइना के अंदर इंसर्ट मत करना, बाहर की चीज़ें आप यही या ये विवॉश यूज़ करो सबसे, और ये आफ्टर डिलीवरी भी आप यूज़ करना है, बहुत अच्छा है, हाइजीन मेंटेन करता है, पीएच लेवल को भी ख़राब नहीं करता। आप ये यूज़ करो, आप दूसरों को सजेस्ट भी कर सकते हो, बट बाहर के एरिया में, अंदर के नहीं। और गर्म पानी का यूज़ करो वॉश करने के लिए, और अपना जो डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज जो भी होता है, जो डिस्चार्ज होता रहता है, गीलापन होता रहता है, उस पर ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, उसके साथ कुछ आना नहीं चाहिए, वो एकदम वाटरी कलर का डिस्चार्ज होता है इतना, और होता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, दिन भर होता रहता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को कुछ मतलब थोड़ी बहुत मेरे वीडियो से इससे हेल्प मिले आप लोग को, अगर मिलेगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे मैं दे रही हूँ, कुछ दिनों में मैं अपना सब मेल भी डालने वाली हूँ, सब मेल आईडी सब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाके मुझे मेल और मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा नए चैनल का लिंक भी मैं सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे वहाँ पर भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने वहाँ पर वीडियो इतने नहीं डाले हैं, मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ, अगर आप चाहो तो वहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।